एक ऐसे इशारा से आपको आपकी मुलाकात करवाऊं जो समाज के कर्प को, जिंदगी के उतार चढ़ाव के, जिंदगी की तरफ सच्चाइयों को जब अपनी शायरी में ढालती है। तो अंजुम रहबर का मुझे ये चार मिसरे याद आते हैं कि घर के सब लोग घर में रहेंगे, हम अकेले सफर में रहेंगे, अपनी आंखों को तुम बंद रखना, सारे मंजर नजर में रहेंगे। आइए एक ऐसी शायरा, एक ऐसी कवित्री जो हिंदुस्तान के तमाम कवि सम्मेलनों में, हिंदुस्तान के मुशायरों में अपने लहजे और अपनी शायरी की शनाख्त मोहतरमा रंजना सिंह हया, जिन्होंने वाणी वंदना पढ़ी थी, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी गजलों से, अपने कतात और गीत से आप सभी हजरात को नवाजें। लखीमपुर, जिला लखीमपुर खीरी से आई हुई मेहमान शायरा मोहतरमा रंजना सिंह हया माइक पर। बहुत खूबसूरत मुशायरा आप सब सुन रहे हैं, बहुत अच्छी निजामत हो रही है, सभी को बहुत अच्छे ढंग से आप सबने सुना। उम्मीद करूंगी कि मेरे हिस्से में भी आप सबकी कुछ दुआएं आएंगी। संसद से लेके साहित्य तक का सफर आपने तय किया, इन सब चीजों को सुनते हुए देखते हुए कहीं से मैंने ये महसूस किया कि मोहब्बत खतरे में। अगर मेरी बात समझ में आई हो तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अरे वो ऐलान करना भूल गया, हम मोहब्बत वाले लोग हैं, ऐलान करना है इसके बाद। फिरका परस्तों की बातें नहीं करते। चार मिसरों से शुरुआत में करती हूँ और बात शायरी में यूं भी कही जा सकती है। माइक वाले भैया, जैसा शुरू में माइक था वैसा कर दीजिए आप। ये वो माइक लगा ही नहीं है जो शुरू में था, ये वो लगा है दूसरा वाला। भैया वो दूसरा लगा दो। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, बैठ जाओ। मुझे मुझे जो है ज्यादा तेज जो है खींचना भी नहीं है, मैं धीरे धीरे आपसे बात करूंगी। अगर आप ठीक ठाक सुनेंगे तो मैं ठीक ठाक पढ़ के जाऊंगी, ऐसा मैं वादा नहीं, मैं दावा करती हूँ। चार पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ, चार मिसरे मैं पढ़ती हूँ और बात यूं भी कही जा सकती है। चलिए भाई बहुत शुक्रिया, वरना मैं कहती तो मेरा लहजा थोड़ा सा खराब है तो बात खराब हो जाती। मैं पढ़ती हूँ सुनिएगा, चार मिसरे पढ़ती हूँ और बात यूं भी कही जा सकती है कि फैलाए नफरतों को जो हिंदुस्तान में उसका लहू जमीन पे बिखर जाना चाहिए। फैलाए नफरतों को, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आप सबका। फैलाए नफरतों को जो हिंदुस्तान में उसका लहू जमीन पे बिखर जाना चाहिए और इंसानियत का खून बहाता हो जो हया, इंसानियत का खून बहाता हो जो हया, वो कैसे जिंदा है उसे मर जाना चाहिए। क्या बात है, अरे भाई क्या बात है, वाह 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 वाह। फिर पढ़ दो। जी जी, मैं दोबारा पढ़ती हूँ कि फैलाए नफरतों को जो हिंदुस्तान में उसका लहू जमीन पे बिखर जाना चाहिए और इंसानियत का खून बहाता हो जो हया, वो कैसे जिंदा है उसे मर जाना चाहिए। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। चार मिसरे पढ़ने की कोशिश करती हूँ, कौमी यकजहती का मंच है। चार मिसरे पढ़ती हूँ, आप मोहब्बत से सुनेंगे, मेरा हौसला बढ़ेगा तो मैं कुछ और पढ़ने की कोशिश करूंगी, सुनिएगा। कि वतन के नाम पर कुर्बान होना शान है मेरी। क्या बात है, शुक्रिया। वतन के नाम पर कुर्बान होना शान है मेरी, मैं हिंदुस्तान के इतिहास की अनमिट कहानी हूँ। वतन के नाम पर कुर्बान होना शान है मेरी, मैं हिंदुस्तान के इतिहास की अनमिट कहानी हूँ। मोहब्बत और कौमी एकता पहचान है मेरी, मोहब्बत और कौमी एकता पहचान है मेरी, कभी राधा कभी मीरा कभी झांसी की रानी हूँ। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, शुक्रिया। वाह,
नौशाद भाई, बहुत इंतजाम में आप लगे रहे, बहुत अच्छा इंतजाम रहा आपका। आप थोड़ा सा सुन लें जीशान, मैंने आपको बहुत मन से और मैंने सभी को बहुत मन से सुना। मैं बस उम्मीद करूंगी, और मेरी कमी भी है कि मैं चाहती हूँ जो लोग डाइस पे हैं वो थोड़ा सा मुझे सुने। मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ क्योंकि यह कवि सम्मेलन है, मुझे लगता है कि मुझे समझेंगे आप सब। मैं चार पंक्तियां वहां से उठाती हूँ। किसी ने कहा कि बच्चा बच्चा राम यहाँ का, बेटी जनक दुलारी। अभी माँ की बात हुई, मैं बेटियों की कुछ बातें कहूंगी, बाद में मोहब्बत की बात करती हूँ। कि बच्चा बच्चा राम यहाँ का, बेटी जनक दुलारी है। जब बेटी यहाँ की जनक दुलारी है तो सिर्फ बेटी के ऊपर आरोप क्यों लगता है? बेटी को ही सिखाया समझाया क्यों नहीं जाता? बेटों को क्यों समझाया नहीं जाता? आए दिन बेटियों के दुपट्टे खींचे जाते हैं। मैं पढ़ने का प्रयास करती हूँ, सुनिए। कि औरत को ही पाठ पढ़ाया जाता, औरत को ही पाठ पढ़ाया जाता है, औरत को ही पाठ पढ़ाया जाता है, कैसे जीना यह समझाया जाता है। और राम से भी तो मर्यादा की बात करो, राम से भी तो मर्यादा की बात करो, सीता पर क्यों प्रश्न उठाया जाता है? क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, उठाया जाता है सीता पर क्यों प्रश्न उठाया जाता। और चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि बहते दरिया के रुख को मोड़ने की मत सोचो, बहते दरिया के रुख को मोड़ने की मत सोचो, कोरी चादर है इसे ओढ़ने की मत सोचो, बहते दरिया के रुख को मोड़ने की मत सोचो, कोरी चादर है इसे ओढ़ने की मत सोचो, और काली होती है जमाने में महक देने को, काली होती है जमाने में महक देने को, तुम इनसे प्यार करो तोड़ने की मत सोचो। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, करो तोड़ने की मत सोचो। बहुत अच्छा लगा, आपने मेरा हौसला बढ़ाया, लेकिन कुछ लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया। अगर तालियां बजाने में कुछ परेशानी है तो आह करिए, वाह करिए, अगर कुछ नहीं कर सकते तो हाय हाय करिए। चलिए गजल से पहले मैं, क्योंकि बिहार में जब भी आई हूं मुझे आप सबने अच्छे ढंग से सुना है। मैं चंपारण में पहली मरतबा आई हूं, हालांकि मुझे बेतिया आना था, वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया था पिछले साल। मैं देखती हूँ उमर फारूकी साहब ये बात जानते हैं, मुझे बिहार वाले बहुत अच्छा सुनते हैं और मुझे बहुत मोहब्बत मिलती है। मैं देखती हूँ कि मुझे यहाँ चंपारण में कैसा सुनते हैं, आप सब कैसा सुनेंगे। मैं चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, चार मिसरे पढ़ती हूँ, नौशाद साहब सुनिएगा। कि बात बिगड़े तो बनाने को चली आऊंगी, बहुत शुक्रिया, आपके ही मतलब की बात हो रही है, मैं पढ़ती हूँ। कि बात बिगड़े तो बनाने को चली आऊंगी, किसको इनकार है आने को चली आऊंगी, और उम्र भर साथ निभाने का तो वादा कर ले, उम्र भर साथ निभाने का तो वादा कर ले, छोड़कर सारे जमाने को चली आऊंगी। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, छोड़कर सारे जमाने को चली आऊं। बहुत शुक्रिया। चार मिसरे इसी खानदान के और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मलाल दिल को तेरे होगा मेरे जाने से, मुझसे आप मुखातिब हो, आते जाते रहेंगे लोग। कि मलाल दिल को तेरे होगा मेरे जाने से, मलाल दिल को तेरे होगा मेरे जाने से, न छुप सकेगा तेरा दर्द मुस्कुराने से, और बिछड़ के तुझसे कभी फिर कहीं मिलो न मिलो, बिछड़
मुझसे कभी फिर कहीं मिलो न मिलो, मुझे तू रोक लेना दा किसी बहाने से। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, रोक लेना दा किसी बहाने, वाह 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 वाह, तू रोक लेना दा किसी। और चार मिसरे पढ़ने के बाद एक गजल पढ़ती हूँ, सुनिए। इज़हारे मोहब्बत वो सरेआम कर गया, इज़हारे मोहब्बत वो सरेआम कर गया, इज़हारे मोहब्बत वो सरेआम कर गया, अपने ही साथ मुझको भी बदनाम कर गया, और उसकी हंसी को देख के ऐसा लगा मुझे, उसकी हंसी को देख के ऐसा लगा मुझे, गुलशन के सारे फूल मेरे नाम कर गया। क्या बात है, वाह वाह वाह, के सारे फूल मेरे नाम कर गया। गुलशन इजहार, मुझे लगता है बहुत मोहब्बत में धोखा खाए हुए, चोट खाए हुए लोग बैठे हुए हैं। मैं पढ़ती हूँ, इजहार मोहब्बत वो सरेआम कर गया, इजहार मोहब्बत वो सरेआम कर गया, अपने ही साथ मुझको भी बदनाम कर गया, और उसकी हंसी को देख के ऐसा लगा मुझे, उसकी हंसी को देख के ऐसा लगा मुझे, गुलशन के सारे फूल मेरे नाम कर क्या गया। बात है भाई, वाह वाह वाह, गुलशन के सारे फूल मेरे नाम कर। एक गजल के दो तीन शेर, क्योंकि आप सबने अभी तक अच्छी शायरी पे भी दाद दी है। मैं कोशिश करूंगी कि एक आध शेर मैं अच्छा पढ़ के यहां से जाऊं। एक गजल पढ़ती हूं जी। किसकी आहट मेरे दरवाजे से दर तक आई। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। किसकी आहट मेरे दरवाजे से दर तक आई, किसकी आहट मेरे दरवाजे से दर तक आई, किसकी खुशबू मेरे टूटे हुए घर तक आई। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, मेरे टूटे हुए घर तक आई। और शेर पढ़ती हूँ कि तेरी याद, एक तेरी याद मेरा साथ निभाने के लिए, 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 शाम से आई तो फिर पिछले पहर तक आई। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, तो फिर पिछले पहर तक आई, किसकी आहट मेरे दरवाजे से दर तक आई। ये भी शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि उसकी आंखों ने किया प्यार मेरी आंखों को, उसकी आंखों ने किया प्यार मेरी आंखों को, उसकी आंखों ने किया प्यार मेरी आंखों को, उसने आंखों से किया प्यार मेरी आंखों को, जब कभी उसकी नजर मेरी नजर तक आई। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, उसकी नजर मेरी नजर तक आई। और ये भी शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मैंने बचना तो बहुत चाहा मगर बच न सकी, मैंने बचना तो बहुत चाहा मगर बच न सकी, मैंने बचना तो बहुत चाहा मगर बच न सकी, मैंने बचना तो बहुत चाहा मगर बच
सकी। मौत करते हुए पीछा मेरे घर तक आई। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। पीछा मेरे घर तक मौत करते हुए पीछा मेरे। और ये भी शेर मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि बस इसी वास्ते मैं जीत गई वो हारा। बस इसी वास्ते मैं जीत गई वो हारा। बस इसी वास्ते मैं जीत गई वो हारा। राज की बात उधर से जो इधर तक आई। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। उधर से जो इधर तक आई। एक गजल, बहुत प्यारी गजल है, बहुत शुक्रिया डाइस से मुझे दुआएं मिली, मैंने इसीलिए हिम्मत की क्योंकि आप सब अच्छा सुन रहे हैं। एक गजल मैं और पढ़ने की कोशिश, उसके बाद एक छोटा सा गीत, अगर आप सब कहेंगे तो मैं पढ़ूंगी, नहीं तो कोई बात। देखिए चच्चा चच्चा है, मैं चच्चा को कुछ नहीं कहूंगी, मुझे परेशान मत करो, मैं बड़े लोगों को कुछ नहीं कहती हूँ। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि चैन पाले जी गए फिर चली जाऊंगी। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। चैन पाले जी गए फिर चली जाऊंगी। देख लो एक नजर फिर चली जाऊंगी। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। एक नजर फिर चली जाऊं। शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा चचा। कि माँ के आंगन से बचपन के दिन काट गए। क्या बात है, क्या बात है, माँ के आंगन से बचपन के दिन काट गए। माँ के आंगन से बचपन के दिन काट गए। माँ के आंगन से बचपन के दिन काट गए। सीख लो कुछ हुनर फिर चली जाऊंगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। माँ के आंगन में बचपन के दिन काट गए। माँ के आंगन में बचपन के दिन काट गए। सीख लो कुछ हुनर फिर चली जाऊंगी। और ये भी शेर पढ़ती हूँ, तमाम उस्ताद सोरा बैठे हुए हैं डाइस पे, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि एक नजर देखने तुझको आई हूँ मैं। एक नजर देखने तुझको आई हूँ मैं। एक नजर, नौशाद भाई सुनिए, आपको नजर कर। एक नजर देखने तुझको आई हूँ मैं। एक नजर देखने तुझको आई हूँ मैं। देख लो एक नजर फिर चली जाऊंगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। जी मैं हाजिर। एक नजर देखिए, आप सब ऊब तो नहीं रहे हैं, एक बार तालियां मुझे बजा दीजिए। ये भी ख्याल रखिए कि माइक किस तरह का है, तो मैं पढ़ती जा रही हूँ बस। कि एक नजर देखने तुझको आई हूँ मैं। एक नजर देखने तुझको आई हूँ मैं। देख लो एक नजर फिर चली जाऊंगी। चैन पाले जी गए। और ये भी शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि खत्म होने भी दो जिंदगी का सफर। खत्म होने भी दो जिंदगी का सफर।
भी दो, जिंदगी का सफर खत्म होने भी दो, जिंदगी का सफर आए मेरे हम सफर फिर चली जा। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। नजर फिर और मुझे जो पसंद है शेर, मैं मेरे हौसले के लिए तालियां बजाइएगा अगर शेर आप समझ जाएंगे, मैं पढ़ती हूँ। कि अपनी आँखों से मैं टूटता देख लूं, अपनी आँखों से मैं टूटता देख लूं, अपनी आँखों से मैं टूटता देख लूं, अपने ख्वाबों का घर फिर चली जा। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आप सबका। मक्ते का शेर पढ़ती हूँ, सुनिए। इरशाद। कि रात बाकी है थोड़ी अभी ऐ हया, रात बाकी है थोड़ी अभी ऐ हया, रात बाकी है थोड़ी अभी ऐ हया, होने दीजिए सहर फिर चली जा, देख लूं एक नजर। हाँ बिल्कुल पढ़ो, मैं तेरे संग नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी वाला पढ़ो। चलिए मुझे हुक्म हुआ है नाज़िमे मुशायरा, एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजाएं तो मैं गीत में पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं फारूक साहब निजामत कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि ये गीत मैं उन्हीं को पूरा गीत जो है वो नज़र कर दूँ। आपको नज़र करूँगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं पढ़ती हूँ, इन्होंने बुलाया था तो मुझे चार मिसरे पढ़े थे, मैं पूरा गीत पढ़ना चाहती हूँ, नजर करना चाहती हूँ। एक बार आप सब जोरदार तालियां बजाएं तो मैं पढ़ सुनिएगा। कि चाहे जितना भी करे इसरा, चाहे जितना भी करे इसरार, मैं तेरे संग नहीं जाऊंगी, मैं तेरे संग नहीं जाऊंगी, मैं तेरे संग नहीं जाऊंगी, तेरे दिल में नहीं है प्यार, मैं तेरे संग नहीं जाऊंगी, तेरे दिल में नहीं है प्यार। बहुत शुक्रिया। तेरे दिल में नहीं है प्यार, मैं तेरे संग नहीं जाऊंगी, चाहे जितना भी करे इसरार, मैं तेरे संग नहीं जाऊंगी। यूं ही नहीं मना कर दिया, मैं पढ़ती हूँ, वजह बताती हूँ, सुनेगा। कि ना चूड़ी कंगना प्यारा है, ना चूड़ी कंगना प्यारा है, ना चूड़ी कंगना प्यारा है, ना कोई गहना प्यारा है, मुझको तो तेरे महलों से बाबुल का अंगना प्यारा है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। मुझको तो तेरे महलों से बाबुल का अंगना प्यारा है, ले जा वापस डोली कहार, ले जा वापस डोली कहार, मैं तेरे संग नहीं जाऊंगी, तेरे दिल में नहीं है प्यार, मैं तेरे संग नहीं जाऊंगी, तेरे दिल में नहीं। मैं देख रही हूँ इधर जो बैठे हुए हैं सामाइन वो तालियां बजा रहे, इधर के कुछ खामोश नजर आ रहे हैं। मैं कंपटीशन आप लोगों का नहीं करवाना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा बजाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और ऐसा लगेगा कि आप मुशायरे को एंजॉय भी कर रहे हैं। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ये बंद पढ़ती हूँ और फारूकी साहब को नजर करती हूँ, आपको पता है कि पूरा गीत मैंने नजर किया है, इससे इनका करेक्टर का पता चलता है। मैं पढ़ती हूँ कि मुझको घर तनहा छोड़ के तू, मुझको घर तनहा छोड़ के तू, मुझको घर तनहा छोड़ के तू, कुछ करके बहाने जाएगा और जा करके गलियों गलियों कलियों कलियों मंडराएगा। बात अगर सबके समझ में आ गई हो तो जोरदार तालियां मजा। मुझको घर तनहा छो, अभी तक सब कुछ आपने शायरी ही नहीं सुनी है।
मुझको घर तन्हा छोड़ के तू कुछ करके बहाने जाएगा और जा करके गलियों गलियों कलियों कलियों मंडराएगा। मुझे तुझ पे नहीं एतबार, मुझे तुझ पे नहीं एतबार, मैं तेरे संग नहीं जाऊंगी, तेरे दिल में नहीं है प्यार, मैं तेरे संग नहीं जाऊंगी। माना वाह, मुझे शायरी का शऊर नहीं है, मैं आप लोगों के बीच में बैठ करके बैठने उठने का सलीका सीखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बातचीत करने का मुझे सलीका आ जाए। मैं लेकिन आखिरी बंद में मैंने कुछ कहने की कोशिश की है, एक मैसेज देने की कोशिश की है, सुनिएगा। कि मासूम सी अबला नारी हूँ, मासूम सी अबला नारी हूँ, मासूम सी अबला नारी हूँ, हर युग में सताई जाती हूँ, धन दौलत के लालच में मैं सदियों से जलाई जाती हूँ। मासूम सी अबला नारी हूँ, हर युग में सताई जाती हूँ, धन दौलत के लालच में मैं सदियों से जलाई जाती हूँ, अब सहने